दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट के बारे में, जिसमें आप लोग अगर लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा रखा होगा। तो और आप लोग एम कनेक्ट को ऑपरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, बैंक के सारे काम आप लोग घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन जारी करवाई गई थी जिसको बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट नाम से जाना जाता है। और इस एम कनेक्ट का मतलब होता है मोबाइल कनेक्ट। मोबाइल कनेक्ट से आप लोग डायरेक्टली अपने बैंक ऑफ बड़ौदा से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, सारी सुविधाओं का आनंद आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट में आप लोगों को अपना अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए बस आप लोगों को इस पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा, जिसमें आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग के बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी और कैसे आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट में अकाउंट बनाना है वह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को बता दिया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट एक एप्लीकेशन है जिसको चालू करवाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जो कि एक मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप लोग अगर भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं और आप लोग इससे अगर कोई भी भुगतान करते हैं तो 5 से 10% की छूट कभी कभी कुछ जगहों पर मिल जाती है। इंटरनेट सुविधा का आनंद आप लोग उठा सकते हैं, इंटरनेट की मदद से ही आप लोग सारा काम कर सकते हैं। जो भी आप लोग आदेश देंगे अपने खाते को, आप लोग अपनी बैंक को, वह सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगी और डिटेल बदलती चली जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें से चाहें तो वह डिटेल हटा सकते हैं, सुविधाओं को हटा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन आता है और बहुत सारे ऑप्शन भी आप लोगों को मिल जाते हैं। अब आप लोगों को अगर उसमें अपना कंप्लेन कराना है तो आप लोग टेलीफोनिक कंप्लेन और ऑनलाइन कंप्लेन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी परेशानी हो जाती है तो आप लोग इसे एम कनेक्ट पे जाकर आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन लिखा सकते हैं। आप लोगों की सुनवाई पहले करवाई जाएगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों को यूज़ कैसे करना है। यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एम कनेक्ट को ओपन करना है, उसके बाद आप लोग वहाँ पर आप लोगों को कंसोल बन के आ जाएगा, आपका नाम, आपके खाते की जुड़ी हुई सारी जानकारी आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें यूज़ करना समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे इसका अकाउंट कैसे बनाना है वह यहाँ पर बताया गया है। आप लोगों का अकाउंट बनाने के लिए नीचे लिंक दिया गया। हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोग इसका लिंक पे जाकर आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक दूसरा लिंक दिया गया होगा जिस पे जाकर आप लोग डायरेक्टली अपना उस पे काम कर सकते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मोबाइल के लिए खास तौर पे ये एप्लीकेशन निकाली गई थी जिस पे जाकर आप लोग अपना काम कर सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए फीचर्स ये दिए गए हैं, ये फीचर्स आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में उठा सकते हैं जिनका फ़ायदा आप लोगों को ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलेगा। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट का लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा यहाँ से। अबाउट कैरियर इन कॉन्टैक्टर्स लोकेटर्स, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जिसमें से हम लोगों को इंस्टेंट बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा एम भीम यू पी आई, विजय, देना बैंक, इंटरनेटिंग, ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए इंस्टेंट बैंकिंग मोबाइल कनेक्टेड करना है तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। हम लोगों के सामने देखिए उसके फीचर्स तो बन के आ ही गए थे। यहाँ से हम लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके बाद हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करना आप लोगों को जो बताया जाता है उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट लॉगिन करना होता है, जो कि आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग रिटेल यूज़र या कॉर्पोरेट यूज़र, जो भी यूज़र हो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना रिटेल यूज़र चाहे तो रिटेल यूज़र और कॉर्पोरेट यूज़र चाहे तो कॉर्पोरेट यूज़र को जाकर लॉगिन करें और आप लोग अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट खुल जाएगा, जिसके बाद आप लोग यहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कुछ इसी आसान तरीके से आप लोग अपना ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी कमेंट करके हमको बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।